रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया की लड़की को बीट किया है और 30 मीटर 1 मिनट 25 सेकंड में लैप लिया। अच्छा वुमन, डू यू लाइक स्विमिंग? यस। हाउ मच? है लेकिन पता नहीं कैसे कर लेता है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। और आज से कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक छोटे साइंटिस्ट से मिलाया था, उसी साइंटिस्ट ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है। अभी मेरे साथ मोहम्मद मौजूद हैं, इनका अगर मैं आपको दोबारा नया वाला कारनामा बताऊँ, इन्होंने तैरना सीख लिया है और तैरने के साथ साथ इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया की लड़की को बीट किया है और 30 मीटर 1 मिनट 25 सेकंड में लैप लिया है। वाह। और मोहम्मद के कोच भी हमारे साथ मौजूद है हुबैब, उनसे भी हम बात करते हैं। वैसे उनके हुलिये से भी लग रहा है कि तैरना उनको भी आता ही है। मुझे बताएं कि इतने छोटे से बच्चे को आप तैरना सिखा रहे हैं, तैरा रहे हैं, पानी में उसको डुबकियां लगवाई जा रहे थे, तो उसको कुछ हो जाता तो? नहीं, मोहम्मद बहुत ब्रेव है और जब ये 3 मंथ्स पहले हमारे पास आया था तो मतलब हमें तो नहीं पता था कि ये मतलब इतना एक्सेप्शनल बच्चा है, लेकिन जब ये आया था और फिर ये कि कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चल गया था कि ये कोई एक बहुत डिफरेंट बच्चा है, कुछ करेगा। जी एग्जैक्टली। नहीं, इसलिए छोटे होते ही कुछ कर लिया है। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल जो होता है वो 110 होता है, मेरे जैसे बच्चे का 50 होता है लेकिन बताते नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं मोहम्मद की बात करूँ तो मोहम्मद का IQ लेवल जो है वो 195 है। मतलब कहना आसान है भाई, 195, सोचे दिमाग कितना काम करता होगा इनका, मतलब सब कुछ सीख के आए हुए हैं ये। अच्छा मुझे आप बताएं कि आपको मतलब कैसे इनको ट्रेन किया और आपके पास जब ये आए तो आपको कैसे पता चला कि भाई ये बच्चा को खास है, मतलब कैसे पता चला? देखिए सबसे पहले जब मोहम्मद आया था ना, मतलब 1 वीक तो मतलब हमें नहीं पता था कि किस तरह का बच्चा है और किस तरह मतलब ये बच्चों के साथ ही करता था, हम इसको ट्रेन करते थे। बट लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ये सीनियर बच्चों के साथ इसने प्रॉपर लैब स्टार्ट किए, तो मतलब एक दो दिन तो इसने किया तो हमें मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि इसने मतलब किस तरह ये कर लिया। लेकिन ये कि फिर कंटिन्यूसली 3 मंथ्स इसको मैंने अपने पास रखा और इसको प्रॉपर ट्रेन किया, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, इवन के ब्रीदिंग पानी के अंदर कैसे करनी है, तो इसने इवन के जो इसकी एज के बड़े बच्चे हैं पानी के अंदर ब्रीथ भी करते होते हैं। यस yes। और इससे जो बड़े बच्चे हैं सपोज जैसे कि 7-8 साल के, वो भी इससे जो है कंपीट नहीं कर सकते। ज़बरदस्त। एक दिन की कितने टाइम की ट्रेनिंग लेते हैं, मतलब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कितना टाइम? एक दिन में यूजली 50 मिनट्स की ट्रेनिंग होती है और जो बाकी 10 मिनट्स होते हैं वो इनका फ्री टाइम होता है, फ़न टाइम होता है जिसमें इन्जॉय करते हैं और उसमें यह कि अपना फ़न प्रॉपर प्ले करते हैं। अच्छा जब आपके पास आया था तो आपको भी पता कि भाई स्पेशल बच्चा है, माँ बाप का लाडला भी है और बहुत स्पेशल है, तो आपने इनके लिए क्या सेफ्टी वगैरह, मतलब ज़ाहिर डर लगता है ना कि भाई इतना छोटा सा बच्चा है मैं कैसे इसको मैनेज करूँगा या देखूँगा? देखिए स्टार्टिंग में तो हम इसके जो प्रॉपर प्रिकॉशंस होते हैं जैसे कि किक बोर्ड हो गई, फ्लोटर्स हो गए, हम इसको यूज़ करवाते थे। लेकिन ये कि थोड़े से टाइम के बाद ये कहता कि मैंने इसको यूज़ नहीं करना, मैं प्रॉपर स्विमिंग कर सकता हूँ मतलब, तो ये प्रॉपर इसको हमने जब लैब्स पे लगाया तो उसने ऑटोमेटिकली मतलब ये स्टार्ट कर दिया था। और इसके साथ दूसरा ये कि जो बाकी जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमारे से बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कि इस एज का बच्चा अगर इतना कुछ कर सकता है तो मतलब हमारे बच्चे क्यों नहीं कर रहे, तो हमारे लिए एक बड़ा टफ कॉम्पिटिशन बन गया कि हमने उनको भी जो है ज़्यादा ट्रेन करना है। अच्छा वुमन, डू यू लाइक स्विमिंग? यस। हाउ मच? मुझे वो याद आ गया। अच्छा मुझे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कोई और काम नहीं करते हैं? नहीं, मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स करवाता हूँ बच्चों को, जैसे कि TNS स्कूल में करवाता हूँ, स्विमिंग करवाता हूँ, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, जिमनास्टिक्स, मैं हर तरह के एडवांस लेवल स्पोर्ट्स करवाता हूँ। अभी आपने वो बंटे खेले हैं स्पोर्ट्स में? नहीं, वो मैंने नहीं खेले। खेलने चाहिए थे आपको। अच्छा मुझे बताएं कि मुझे आज से अभी भी यही लगता है कि बस ऐसे ऐसे ही करना होता है, बहुत इजी होता है स्विमिंग करना, तो क्या मैं भी मतलब मैं भी कर लूँगी? मोहम्मद को तो आप सिखा रहे हैं, मैं बगैर सीखे कर लूँगी, इसमें कोई मसला नहीं है? नहीं नहीं, देखें प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और ये कि सिर्फ आपके माइंडसेट की बात है, तो आप जिस एज में भी हैं इवन कि आप 100 ईयर्स के भी आप स्विमिंग कर सकते हैं। छोटा बंदा भी स्विमिंग कर सकते? एग्जैक्टली, वो भी कर सकते हैं। बहाना ले जाए उसको बेचारे को। नहीं, उसके लिए बल्कि ज़्यादा ईजी होता है, मोटा बंदा जो होता है वो पानी के ऊपर ज़्यादा रहता है। यकीन नहीं आ रहा आप पे कि आप कर सकते हैं, तो मैंने आपकी लाइव ट्रेनिंग देखनी है। आप लोग इधर स्विमिंग पूल में लैप करके उधर जाएंगे और मैं साइड पे भाग के जाऊंगी, देखते हैं पहले कौन जाता है। चलें ठीक है, हम करवा लेते हैं। चलो जी मोहम्मद, रेडी हैं आप? आर यू रेडी? यस। अच्छा मोहम्मद इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, मतलब अभी उस तरह से मुझे नहीं लगता बोलते, शायद मम्मा के साथ बोलते होंगे, लेकिन जो काम है ना वो ये बहुत बड़े बड़े वाला कर लेते हैं।
देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। और मोहम्मद तो ऑलरेडी भाई पानी में डुबकियाँ लगा के पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं तो भाई ऐसे ही जाऊँगी ना, क्या हो गया है। होए होए, और मैं आप लोगों को बता चलूँ कि यहाँ पे पानी ना बहुत नीचे है, लेकिन मोहम्मद अच्छा वापस भी जाना होता है। अच्छा मुझे आप पता चला लैब पूरा होता है, आना जाना। कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा। अब वो वैसे स्विम कर रहा है तो मुझे साथ में भागना पड़ रहा है। इधर आ जाओ, हाय हेलो। आई जीत गया भाई, मैं मान गई भाई, मैं मान गई और मैं हार गई कि आप लोग जीत गए। चले थैंक यू। साढ़े आप लोगों के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता बिल्कुल भी। ये देखो जिस तरह मैं ना मूवीज में हीरोइन को देखती हूँ ना करते हुए ऐसे ऐसे, और हीरो को उसी तरह से मोहम्मद कर रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि नेक्स्ट अगर हम आगे की बात करें तो नेक्स्ट कौन सा रिकॉर्ड मोहम्मद बनाएगा? मोहम्मद नेक्स्ट मुझे लगता है कि ये बैक स्ट्रोक का बनाएगा, और रिसेंटली अब इसको मैं ब्रेस्ट स्ट्रोक भी सिखा रहा हूँ, तो ये कि उसके बाद इसका नेक्स्ट रिकॉर्ड ये हमारा टारगेट है। नहीं आया कि माइंड में कि आपका ही कोई रिकॉर्ड बना दे, आपसे ही आगे निकल जाए फिर? ये ना मोहम्मद अपनी कोई एकेडमी खोल के बैठा हो कि भाई अब मैं ट्रेनिंग दूंगा लोगों को। नहीं फिर अपने बाद में अपने कोचेस को ये ट्रेनिंग देगा, जब ये सारे रिकॉर्ड्स बना लेगा तो फिर ये खुद अपने कोचेस को ट्रेनिंग देगा। प्राउड फील होता है ना कि भाई ऐसा बच्चा हमारे पास। एग्जैक्टली ऐसे इस मोहम्मद जैसा बच्चा पहले आपके पास कभी आया है? नहीं, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में ना। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ज़बरदस्त। मोहम्मद जो है ना इंग्लिश स्पीकिंग है, और मैं थोड़ी बहुत आपको पता कैसे बोलती हूँ, तो मोहम्मद आई कैन स्विम लिटिल बिट, तो आप मुझे सिखाओगे कैसे स्विम करते हैं? मोहम्मद कैसे कर लेता है इतनी छोटी सी एज में? बहुत मुश्किल होता है करना, लेकिन फिर भी मोहम्मद कर लेता है, लेकिन पता नहीं कैसे कर लेता है।